हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। आज शाम के कुछ ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स रहने वाली हैं। SPU की तरफ से अपडेट है, HPU की तरफ से अपडेट है, HP बोर्ड की तरफ से अपडेट है। तो HP बोर्ड की अपडेट देख लेते हैं सबसे पहले, उनकी एक ही अपडेट है। तो यहाँ पर HP टेट, हिमाचल प्रदेश टेट का जो एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड के बारे में बहुत दिनों से आप पूछ रहे थे, तो मेडिकल और आर्ट्स का आप पूछ रहे थे, तो ये पहले सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद बाकी हम बात करेंगे। ओके, तो दोस्तों आप जो एडमिट आपका एडमिट कार्ड आर्ट्स और मेडिकल का डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है, जैसे ही सबमिट करोगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आ चुका है और आप चेक कर लीजिएगा। और HP बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको जाना होगा, टैट वाला सेक्शन होगा उस पर ओके करेंगे तो आपको ये सामने दिख जाएगा। ठीक है, ये हो गया टैट वालों के लिए अपडेट। और लिंक चाहिए होगा तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं इसका लिंक भी आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम के ऊपर। ठीक, चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, SPU मंडी की बात करें तो यहाँ पे BEd 2 साल की रेगुलर BEd के लिए जो है 2024-26 सेशन के लिए जो प्रोस्पेक्टस है वो जारी हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, इसमें डेट्स वगैरह देखने को मिलेंगी, काउंसलिंग डेट्स क्या हैं, और इसके बाद आप बस देखते रहिए, मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी इसको छोड़िए, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में आएगा। और सबसे पहले बात हम कर लेते हैं इसकी, यहाँ पर आगे होगा आई थिंक, देख लेते हैं ज़रा। हाँ, तो 7/5 को आपके एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च हुए थे, लास्ट डेट 18 मई थी, और एडमिट कार्ड आए थे 27 मई को, और 9 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग की डेट्स अगर देख लें तो काउंसलिंग की डेट फीस आपकी ये लगी थी, काउंसलिंग की टेंटेटिव डेट्स ये हैं, 25 जुलाई से 26 जुलाई फर्स्ट राउंड होगा, सेकेंड 1 अगस्त से 3 अगस्त, और थर्ड राउंड होगा 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में। ठीक है, और इसके अलावा बाकी तो उसमें कुछ नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, इसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन अगर देखें तो ये फीस भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये एनेक्शन पता नहीं इसी में है कि अलग से है, इसी में होगा ये वाला, चलिए आगे होगा वो डॉक्यूमेंट दिखाने की यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। ये भी इसी का है, ये भी इसी का है नोटिफिकेशन, ये भी आई थिंक हाँ ये लास्ट का होगा। हाँ, तो दूसरा यहाँ पे है कि आपका, अभी मैं SPU की बात फिर से दोबारा करूँगा। ठीक है, तो मैथ्स HPU का जो मैथमेटिक्स BA BSc मेजर रियल एनालिसिस है वो 10 जुलाई को होना था, यानी कि कल, वो होगा 13 जुलाई को पेपर। ठीक है, हाँ ये है काउंसलिंग डेट्स, MA सोशल वर्क की है ये। ठीक है, तो ये है काउंसलिंग, हाँ 16/7 को होगी, देख लीजिएगा किसकी किसकी होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। MA सोशियोलॉजी की है, ये कट ऑफ मार्क्स और काउंसलिंग देख लीजिएगा डेट्स। ये है MA इकोनॉमिक्स, ये है MA पेंटिंग एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट, MA इंग्लिश का रिजल्ट। ओके, और आगे देख लेते हैं क्या है, MA इंग्लिश का चला हुआ है। इसके बाद आपका नोटिफिकेशन है ये, तो ये तो ऐसे ही है, इसको आप खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट है MA हिस्ट्री, 15 जुलाई को काउंसलिंग होगी, ज़्यादा के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरिट लिस्ट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की। ठीक, और नेक्स्ट है आपकी काउंसलिंग संस्कृत की। ठीक, डॉक्यूमेंट्स बताए हैं क्या क्या लगेंगे। आगे है MA रूरल डेवलपमेंट की काउंसलिंग 16 जुलाई को। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं जो बोल रहा था कि आपको दोबारा से यहाँ पे आना है,
तो SPO की एक और नोटिफिकेशन है, इसमें UGPG के जो एंट्रेंस रिजल्ट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके रिजल्ट यहाँ पे आए होंगे। तो आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है जहाँ से आपने फॉर्म भरा था वहीं पे जाना है और अपना रिजल्ट वहाँ पे चेक लेना है, ठीक है। हो सकता है बीएड का रिजल्ट भी वहीं पर आया हो, क्योंकि प्रोस्पेक्टस भी आज उन्होंने अपलोड किया है। तो बीएड भी UG में ही आता है वैसे, जो HPU का था वहाँ पे UG सेक्शन में बीएड का रिजल्ट निकलता था। तो आप एक बार चेक करिए जो इनकी वेबसाइट है जहाँ पे SPU CET 2024 आपने एग्ज़ाम भरा था, ठीक है, उसी वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहीं लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरिए और अपना रिजल्ट जरा चेक करके बताइएगा मुझे, यहीं पे कमेंट करके बताइएगा वीडियो में, ठीक है, कि आपका SPU का रिजल्ट आया है बीएड का कि नहीं आया है। बाकी तो आ गए होंगे क्योंकि ये रिजल्ट का ही नोटिफिकेशन है जो 10 जून से लेकर 19 जून तक ये जो है हुआ था, ठीक है। तो एक मिनट, 10 जून से लेकर 19 जून तक थोड़ा रुकिएगा, मैं आपको भी बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट एवोल्यूशन 23 से 25 सॉरी, तो हाँ ठीक है। तो दोस्तों ये इसका रिजल्ट भी आपका आ गया होगा, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, बीएड का, क्योंकि ये 9 को हुआ था तो इसमें अच्छा इसका नहीं आया होगा क्योंकि वो 9 को हुआ था, 9 वाला नहीं, 10 से 19 वाला करना बताया, तो बीएड का शायद अभी तक नहीं आया होगा। वो एक बार आप चेक कर लीजिए अपनी आईडी में, जिनके भी यूजी पीजी के हैं वो चेक कर लीजिए अपनी नई आईडी, ठीक है, वहाँ पे क्या रिजल्ट आया हुआ है। बाकी इन सभी का PDF मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।